हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सूचित करें, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई मे बी इन्फॉर्म्ड। मुझे कमेंट बॉक्स में देखना होगा। अच्छा, ठीक है। तो नमस्कार, आज हमारी चर्चा का विषय है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 एंड परफॉर्मेंस ऑन लर्निंग आउटकम्स इन सोशल साइंसेस। आप, जैसा कि टॉपिक से पता चल रहा है, कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 और लर्निंग आउटकम्स पर परफॉर्मेंस, ये दो चीजें हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और सब्जेक्ट रहेगा हमारा सोशल साइंसेस। मैं डॉक्टर प्रतिमा कुमारी, वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंसेस NCERT। इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम जो टेस्टिंग करते हैं, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी हेल्थ में स्पेसिफिकली कहाँ पर कमी है, और फिर उसके बाद उसको कैसे पूरा किया जाए। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सेशन को मैं इंटरेक्टिव बनाना चाहती हूँ। हमारी हेल्थ के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि हम हेल्दी हैं या नहीं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मुझे कोई कमेंट अभी तक मिला नहीं है कि हमें हेल्थ, हमारी हेल्थ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, ये हम टेस्ट करके पता लगाते हैं। हम अपने टेस्ट कराते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, और उसको फिर डॉक्टर के पास हम उस टेस्ट के रिजल्ट को लेकर के जाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये कमी है, और डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि किस मेडिसिन से उस कमी को दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक उसी तरह, अगर हमें स्कूल एजुकेशन की हेल्थ के बारे में पता करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? स्कूल में लर्निंग कैसी हो रही है, सिस्टम की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन सिस्टम की, वो हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए क्या हम एक-एक स्कूल में जाकर या एक-एक जिले में जाकर के सभी विद्यार्थियों का परीक्षण करेंगे? बताइए क्या करेंगे? उसके लिए हम सर्वेक्षण करेंगे, लेकिन हम सैंपल बेसिस पर करेंगे, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, 137 करोड़ की जनसंख्या है, बहुत डाइवर्सिटी है देश के अंदर, बहुत विविधता है, और एक-एक बच्चे का
टेस्ट करके ये पता लगाएं कि लर्निंग कैसी हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की हेल्थ कैसी है, तो वो बहुत ही एक मेहमत टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। और जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सही भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें एक सैंपल चाहिए होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, और उस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं टेस्ट एडमिनिस्टर करके कि स्कूल में लर्निंग कैसी हो रही है, बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है। तो ये तो रही बात टेस्टिंग की, कि टेस्ट करके हम ये पता लगाएंगे कि लर्निंग कैसी हो रही है, लर्निंग का लेवल क्या है। सिस्टम की हेल्थ पता करनी है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम की हेल्थ पता करनी है, ना कि एक एक बच्चे की हेल्थ का पता करना है। एक एक बच्चा कैसे लर्निंग कर रहा है, एक एक बच्चे की लर्निंग कैसी है, एक एक बच्चा कैसे किस लर्निंग लेवल पर है, ये नहीं करने जा रहे हैं। हमें सिस्टम की हेल्थ का पता करना है, तो हम सैंपल बेसिस पर टेस्टिंग करेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि कहां पर कमियां हैं, क्या लर्निंग गैप्स हैं, और उन लर्निंग गैप्स को कैसे हम दूर करें। फिर हम उसके लिए भी प्रारूप बनाएंगे और फिर उसको उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे फिर उसके बाद, और फिर एक समय विशेष समय अवधि के बाद फिर हम ये पता लगाएंगे कि जो इंटरवेंशंस हमने दी उनका क्या इफेक्ट रहा। जैसे डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं और फिर वो हमें कहते हैं कि आप 2 दिन बाद 3 दिन ये दवा चलाइए, और 3 दिन के बाद फिर आप हमारे पास आइए, बताइएगा कि इसका क्या रिजल्ट रहा, आपका बुखार उतरा या नहीं उतरा। समय समय पर आप घर पर मॉनिटर करते रहिए कि कितना कितना बुखार, कितने कितने बजे था, कब कब दवाई ली। अगर आपका बुखार उतर जाता है तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से एजुकेशन सिस्टम में भी लर्निंग गैप्स को पता लगाने के लिए ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे शुरू किया भारत सरकार ने। इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये कब कब शुरू किया गया, कब कब किया गया, या आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला सर्वे क्लास 5 के लिए 2001-2002 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, और एनसीईआरटी ने इसको कंडक्ट किया। उसी तरह से साइकिल 4 क्लास 5 के लिए 2014-15 में किया गया और लर्निंग लेवल्स का पता लगाया गया और फिर उसको कंपेयर भी किया गया पिछले सर्वे से। उसी तरह से जैसे क्लास 5 में ये स्टार्टिंग हुई थी, उसी तरह से फिर 2002-2003 में क्लास 8 के लिए, ग्रेड 8 के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट किया गया और इसका भी फोर्थ साइकिल 2015-16 में ख़त्म हुआ। ठीक उसी तरह क्लास 3 के लिए 2003-04 में यह सर्वे शुरू किया गया और 2015-16 में इसका चौथा साइकिल पूरा हुआ। ये जो सर्वे होते थे 2016 तक, ये सर्वे एक 3-3 ईयर्स के इंटरवल पर होते थे, यानी कि टेस्ट कंडक्ट किया जाता था पहले साल, फिर दूसरे साल रिजल्ट आता था, तीसरे साल उस पर इम्प्लीमेंटेशन पर वर्क होता था, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। जैसा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस रहे पिछले साइकल्स में, पहली बात तो लर्निंग आउटकम्स उस टाइम नहीं थे। लर्निंग आउटकम्स नहीं थे, और तब क्या हुआ, जब लर्निंग आउटकम्स नहीं थे तो
कंटेंट जो है उसको फोकस में रखकर, ध्यान में रखकर कर टेस्टिंग की गई, यानी कि विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों का निर्माण किया गया कक्षा वाइज और फिर उनको कंडक्ट किया गया। दूसरे क्या चीज थी इसमें, जो कक्षा 3, 5, 8 में जो डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स में असेसमेंट कार्य हुआ, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थे और ये प्रॉपर हेल्थ ऑफ स्कूल सिस्टम जो है डिफरेंट स्टेजेस में सेम ईयर में पिक्चर को नहीं दे पा रहे थे। ताकि जो सर्वे हुआ उसके बाद इंटरवेंशंस को उसी साल दिया जा सके, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये 3 साल का साइकिल हो रहा था। एक साल में सर्वे कंडक्ट किया गया, दूसरे साल में रिजल्ट आया एंड देन तीसरे साल में फिर हम इंटरवेंशन दे रहे हैं। तो यानी कि 3 साल लग गए। 3 साल तो बहुत बड़ा समय होता है, सारी परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं समय के हिसाब से। तो जो इंटरवेंशन दी जा रही थी तो वो प्रॉपरली नहीं थी क्योंकि 3 साल बाद दी जा रही थी, उसी साल नहीं दी जा रही थी। पिछले सर्वेज में एक और चैलेंज था कि जो पूरे देश में स्टेट लेवल पर सारा कुछ चल रहा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स एंड ऑल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यानी जिलों तक नेशनल अचीवमेंट सर्वे में लर्निंग गैप्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पिछले सर्वेस में। जो डिफरेंट एजेंसीज थी उनमें आपस में तालमेल नहीं था, तालमेल था तो बहुत कम था, और जो टेक्नोलॉजी थी उसका भी यूज बहुत कम था। इस कारण से जो हमारे नेशनल अचीवमेंट सर्वेस की जो फाइंडिंग्स थी उनके डिसेमिनेशन में बहुत देरी हो रही थी। तो आपने जाना कि इस तरह से जो ये पिछले सर्वेस हुए 2001 से लेकर के 2016 तक विभिन्न क्लासों के लिए, यानी क्लास 3, 5 और 8, उनमें ये इतनी सारे चैलेंजेस थे जिनके कारण जो भी ये सर्वेस हुए उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब जब ये 2017 में नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात शुरू हुई और कंडक्ट करने की बात शुरू हुई, तो उस टाइम ये महसूस किया गया कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ग्रास रूट लेवल पर कैसे पहुंचाई जाएं, क्योंकि भारत सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है, एनर्जीज लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। तो एक तो समयावधि को, जो 3 साल में कार्य होता था उसको उसी साल में करें तभी फायदा है। मान लीजिए आज मुझे कोई बीमारी है, मेरी आज डायग्नोज हुआ, रिजल्ट आया 1 साल बाद, और फिर उसके बाद मेरा मेडिकेशन हो रहा है उससे भी अगले साल, तो क्या होगा? तब तक तो बहुत परिस्थितियां बदल जाएंगी ना, क्या पता मैं रहूं ही ना। तो ठीक उसी तरह से स्कूल एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई लर्निंग गैप है तो उसको उसी साल निश्चित समयावधि में पोस्ट नेस इंटरवेंशंस दे करके दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब बात जो मैं आपको बता रही हूँ, जब ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 की स्टार्टिंग थी, जब उस पर कार्य करना शुरू नहीं हुआ था, जब उसके ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई कि 2017 कराना है, तो जो पिछले 2001 से लेके 2016 तक के जो हमारे सर्वेज हुए हैं, पहले तो उनकी कमियों को आइडेंटिफाई किया गया, क्या क्या गैप्स रह गए थे, फिर उनको कैसे एड्रेस किया जाए ये भी मंथन हुआ,
और फिर उसके बाद यह निश्चित किया गया कि ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे, हर जिले तक जाएंगे। तो ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण पूरे देश में ग्रेड 3, 3, 5, 8 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 13 नवंबर 2017 को कंडक्ट किया गया, एडमिनिस्टर हुआ एक साथ पूरे देश में एक दिन में। पहले क्या होता था, अलग अलग, मैंने आपको चार्ट दिखाया था, अलग अलग वर्षों में अलग अलग डेट्स में अलग अलग क्लासेस में सर्वे होता था। लेकिन 2017 में जो ये नैस हुआ, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ, ये पूरे देश में एक दिन में हुआ, 13 नवंबर 2017 को, सभी क्लासेस के लिए। पहले क्लासेस भी अलग अलग होती थी, अलग अलग दिनों में टेस्ट होते थे, और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ये किया गया। 701 जिलों में 1,10,000 स्कूलों में 22 लाख बच्चों पर इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया। भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 701 जिलों में इस सर्वे को, इस सर्वेक्षण को कंडक्ट किया गया। अब इसमें क्या-क्या टूल्स यूज किए गए आपको बहुत शॉर्ट में मैं बताती हूँ। मल्टीपल टेस्ट बुकलेट्स इसमें यूज की गई। मल्टीपल टेस्ट बुकलेट्स का मतलब एक ही टेस्ट फॉर्म यूज नहीं किया गया, इसमें तीन टेस्ट फॉर्म यूज किए गए, टेस्ट फॉर्म 1, टेस्ट फॉर्म 2, टेस्ट फॉर्म 3। मल्टीपल टेस्ट बुकलेट्स यूज की गई। क्लास 3 में एक टेस्ट बुकलेट में 45 क्वेश्चंस थे। आप जानते हैं कि कक्षा 3 में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं? लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, ये तीन सब्जेक्ट होते हैं क्लास 3 में। तीनों ही सब्जेक्टों में टेस्ट किया गया, 45 क्वेश्चंस थे, 15-15 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से, और तीन बुकलेट बनाई गई। उसी तरह से कक्षा 5 में भी 45 क्वेश्चन एक बुकलेट में थे, और कक्षा 8 में, क्योंकि कक्षा 3 और 5 इन दोनों में ही तीन ही सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंसेस। कक्षा 8 में आप जानते हैं इन इस टेस्ट को चार सब्जेक्ट में एडमिनिस्टर किया गया, वो थे गणित, भाषा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। और इसमें 60 क्वेश्चंस एक टेस्ट फॉर्म में थे, चारों सब्जेक्ट एक ही टेस्ट फॉर्म में थे, टोटल 60 क्वेश्चंस थे, यानी कि 15-15 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट में थे, और तीन तीन टेस्ट फॉर्म बनाए गए थे, एक टेस्ट फॉर्म में 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये क्वेश्चंस किस तरह के बनाए गए। ये जो लर्निंग आउटकम्स की हमने चर्चा की कि पिछले सर्वेज में लर्निंग आउटकम नहीं थे, हमने जो पिछले सर्वेज थे उनके उसमें जो टेस्ट, जो हमने क्वेश्चन पेपर बनाया था वो विषय सामग्री पर आधारित बनाया था, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस बने थे। लेकिन इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 में चूंकि लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल, यह है 2017 फरवरी में आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इनको शामिल कर लिया गया था। अब चूंकि यह टेस्ट नेस 2017 कब हुआ था, अभी मैंने बताया 13 नवंबर 2017 को हुआ, तो
नेस 2017 के लिए जो क्वेश्चंस बने, जो टेस्ट आइटम्स बने, वो लर्निंग आउटकम बेस्ड बने। यानी लर्निंग आउटकम क्या है? आप सभी जो शिक्षक गण हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, आप सभी ये जानते होंगे कि लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स एक बच्चे के अंदर एज अप्रोप्रिएट, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, क्या क्या कौशल होने चाहिए जो कि एक बच्चे के अंदर विकसित हो उस कक्षा को पास करने के बाद। तो वो लर्निंग आउटकम्स यानी कॉम्पिटेंसीज, कौशल आधारित प्रश्नों का निर्माण किया गया नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के लिए। इन टेस्ट फॉर्म्स के अलावा तीन क्वेश्चनेयर्स और बनाए गए। वो क्या-क्या थे? टीचर क्वेश्चनेयर, प्यूपिल क्वेश्चनेयर, स्कूल क्वेश्चनेयर। यानी कि एक स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चनेयर बनाया गया, एक टीचर्स के लिए क्वेश्चनेयर बनाया गया और एक स्कूल्स के लिए क्वेश्चनेयर बनाया गया। क्यों बनाया गया? एक तो हो गया कि हमने बच्चे को लर्निंग आउटकम यानी कौशल आधारित प्रश्नों के द्वारा हमने अचीवमेंट टेस्ट ले लिया बच्चे का, और हमने ये देख लिया कि भी बच्चा जो है हमारा किस किस लेवल पर है। इन क्वेश्चनेयर्स को इसलिए बनाया गया कि इनके माध्यम से ये पता लगाया गया कि कौन कौन से बैकग्राउंड वेरिएबल्स थे जो बच्चे के लर्निंग लेवल को प्रभावित कर सकते हैं। उनको पता लगाने के लिए ये तीन क्वेश्चनेयर्स भी अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ एडमिनिस्टर किए गए उसी दिन, एक ही दिन। इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए गाइडलाइंस कम ट्रेनिंग मैनुअल भी एक बना। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को किस तरह से कार्य में लगाया जाए, उनका प्रशिक्षण कैसे किया जाए, वो सब इस मैनुअल के अंदर डाला गया। विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स बने ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्य था, हर जिले तक करना था और एक ही दिन में करना था। तो भारत सरकार की मदद से एनसीईआरटी ने और यूनिसेफ की मदद से इस कार्य को सफलतापूर्वक किया। अब ये कार्य हो गया हमारा और इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बन गए, क्वेश्चनेयर भी हो गया। ये अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक सिस्टम डेवलप किया गया था टेक्नोलॉजी का। इस बार पहली बार नेस 2017 में बहुत व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया गया। उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो रिपोर्ट्स थी वो ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स आई और ये विद इन 1 वीक ये कार्य संपूर्ण कर लिया गया सभी जिलों के लिए। ये पूरा एक सिस्टम है जो गाइडलाइन कम ट्रेनिंग मैनुअल में इस सिस्टम के बारे में पूरी व्यवस्था की गई थी कि किस तरह से कौन कौन कार्य करेगा। वो एक अलग इशू है, दर्शकों की डिमांड पर, अगर दर्शक चाहेंगे तो उसको भी मैं अलग से सेशन में ले सकती हूँ कि वो किस किस तरह से किया गया, किसने क्या क्या कार्य किया। लेकिन अभी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट्स ये ऑटो जनरेटेड थी, तुरंत आ गई, विद इन 1 वीक सबके सामने आ गई। और जो स्टेट लर्निंग रिपोर्ट्स थी यानी कि स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर जो लर्निंग रिपोर्ट्स थी वो भी, उसका भी कार्य विद इन 2 मंथ्स में कर लिया गया। कैसे कर लिया गया इतना बड़ा कार्य? टेक्नोलॉजी के यूज से, टेक्नोलॉजी की मदद से। पहली बार 2017 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में टेक्नोलॉजी का प्रयोग
व्यापक रूप में किया गया और ये सब रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लर्निंग रिपोर्ट्स आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसमें विभिन्न विभिन्न फोल्डर्स बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज फोल्डर्स हैं, स्टेट वाइज फोल्डर्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 10-10 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड बनाए गए। अब आप कहेंगे भाई एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड क्यों बनाए गए, आपका क्वेश्चन होगा। तो वो इसलिए बनाए गए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कक्षा 3 में 3 विषय, तो विषयवार एक एक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड बनाया गया। तो 3 विषय तो 3 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड कक्षा 3 के लिए, उसी तरह से 3 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड कक्षा 5 के लिए, और चूंकि कक्षा 8 में 4 विषय जिन पर कि हमने सर्वे कंडक्ट किया, तो उन 4 विषयों पर भी 4 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड। तो कितने हो गए, 3 + 3 + 4 यानी 10। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड ऑटो जनरेट हुए विद इन 1 वीक विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि 701 जिलों में, 701 डिस्ट्रिक्ट में इस सर्वे को कंडक्ट किया गया, तो यानी कितने बन गए डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड टोटल, भाई एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड, तो 701 जिले के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड बने, 7010 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड टोटल बने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, 10-10 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड्स। अब इस सेशन में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड में क्या था, क्या है, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, और स्टेट लर्निंग रिपोर्ट्स में क्या है, और स्टेट लर्निंग रिपोर्ट्स भी आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आप गूगल भी कर लेंगे तो भी ये आ जाएगा, गूगल में आप लिखिए स्टेट लर्निंग रिपोर्ट्स एनसीईआरटी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेट लर्निंग रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी कि वो स्टेट लर्निंग रिपोर्ट कैसी दिखती है, उसका जो कवर पेज है वो कैसा है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 36 स्टेट्स एंड यूटीज में इस सर्वेक्षण को किया गया, तो 36 रिपोर्ट बनी स्टेट लर्निंग रिपोर्ट हर स्टेट के लिए एक, और उसको आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि स्टेट लर्निंग रिपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है उस पर वो इस तरह से दिखता है, क्योंकि यह कार्य भारत सरकार की मदद से सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत उस समय किया गया था और यूनिसेफ ने भी इसमें मदद की थी, और एजुकेशनल सर्वे डिवीजन एनसीईआरटी ने इस कार्य को टेस्ट बनाने में कार्य किया, एडमिनिस्ट्रेशन में सारा अपना योगदान दिया, कंट्रोल रूम बनाए उस दिन के लिए 13 नवंबर 2017 के लिए, और इसको कंडक्ट कराया। फिर ये रिपोर्ट हमारी स्टेट लर्निंग रिपोर्ट जो है वो 36 स्टेट की अलग अलग, हर स्टेट की अलग अलग ये हमारे सामने आ गई। अब इन रिपोर्ट्स में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इन रिपोर्ट्स में क्या है ऐसा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो हम सभी शिक्षकों को और जो भावी शिक्षक हैं उनको जो हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे एजुकेशनल फंक्शनरीज हैं उनको, स्टेट लेवल पर जो फंक्शनरीज हैं उनको, ये इन सब के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि यह नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 जो कंडक्ट किया गया था वो स्कूल हेल्थ जिला लेवल पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल की हेल्थ कैसी है पहली बार यह सर्वे किया गया, इसीलिए इसको बेसलाइन सर्वे भी कहा गया, वो भी लर्निंग आउटकम्स पर, यानी कि लर्निंग आउटकम बेस्ड जो क्वेश्चंस बने थे उन पर बच्चों की टेस्टिंग की गई। लर्निंग आउटकम बेस्ड यानी कि कौशल आधारित, प्रश्न पर आधारित
टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर बनाया गया और उसको बच्चों पर एडमिनिस्टर किया गया। इससे हमें ये पता लगा कि हमारे बच्चों में जो क्लास 3, 5 और 8 में पढ़ रहे थे, उन बच्चों का कॉम्पिटेंसी लेवल कितना है, उन बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसीज जो कि कक्षा और एज अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसीज हैं वो कितनी डेवलप हुई, उनमें क्या लर्निंग गैप्स रह गए, कहाँ रह गए, वो इस रिपोर्ट में सारा का सारा दिया गया है। मैं आपको अभी इसके बारे में और डीप में बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। तो इसमें जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कक्षा 8 में ऑन एन एवरेज, ये आप परसेंटेज में देख रहे हैं, लैंग्वेज का परसेंटेज दिया गया है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस सारे सब्जेक्ट का परसेंटेज दिया गया है। क्या है ये परसेंटेज, क्या बताता है ये परसेंटेज? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोशल साइंस में 42% रिजल्ट आया है जो डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि 42% स्टूडेंट्स करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस। 42% बच्चे ही सोशल साइंस में जो लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चंस थे उनका सही आंसर दे पाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 42% बच्चे ही एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी में निपुण थे। जो 58% बच्चे हमारे रहे उनमें वो कुशलताएं, वो कौशल या तो विकसित नहीं हुए या विकसित हुए तो कक्षा के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट वो विकसित नहीं हुए जो विकसित होने चाहिए थे। उसी तरह से आप अगर अब देखें कि लर्निंग आउटकम में परफॉर्मेंस जो है वो लोएस्ट परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से रहे, यानी कि किन किन कौशलों में हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, वो लर्निंग आउटकम्स कौन से थे जिनमें कि सबसे कम परफॉर्मेंस बच्चे दे पाए। अब यहां मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 है वो किसी एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड है, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे बच्चों का लर्निंग आउटकम में प्रदर्शन कैसा रहा, स्टेट लेवल पर हमारे बच्चों का प्रदर्शन लर्निंग आउटकम्स पर कैसा रहा, यह जो रिपोर्टें हैं स्टेट लर्निंग रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट, ये हमें बताती हैं। अब चूंकि हम स्टेट रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं इस टाइम, स्टेट लर्निंग रिपोर्ट इसको कहते हैं, तो इसमें स्टेट लेवल पर वो कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स रहे, वो कौन कौन से कौशल रहे जिनमें कि बच्चों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, यह एक टीचर को पता होना चाहिए। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी फंक्शनरीज को, एजुकेशनल फंक्शनरीज को पता होना चाहिए, यह स्टेट लेवल पर भी फंक्शनरीज हैं और नेशनल लेवल पर जो फंक्शनरीज हैं उनको भी पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टेट में बच्चों का प्रदर्शन लर्निंग आउटकम्स पर कैसा रहा। क्योंकि यह स्टेट लर्निंग रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की मैं प्रदर्शित कर रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको पिछली स्लाइड दिखाती हूँ तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो मैंने स्टेट लर्निंग रिपोर्ट ली है वो उत्तर प्रदेश की है, ये जो आंकड़े आपके समक्ष मैंने रखे हैं वो उत्तर प्रदेश के मैं रख रही हूँ। तो अब इसमें हम देखें तो लोएस्ट परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से रहे, ये जो कोड देख रहे हैं आप M818, क्या मतलब है इसका, ये सर्वे में कोडिंग की गई थी ताकि मेजरमेंट इजीली हो जाए। आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स में कोडिंग की जाती है तभी उसको कोडिंग करने के बाद जो है फिर स्टैटिस्टिकली उनको मेजर करते हैं, तो उसी तरह से लर्निंग आउटकम्स की भी कोडिंग की गई थी। तो M मतलब मैथमेटिक्स यानी गणित,
और 8 मतलब क्लास कक्षा 8, क्लास ग्रेड 8, और 18 मतलब कि 18वें नंबर पर जो लर्निंग आउटकम था उसका डिस्क्रिप्शन सामने आप देख रहे हैं। क्या था वो लर्निंग आउटकम? फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल एंड सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ये मैथमेटिक्स का कक्षा 8 का लर्निंग आउटकम है जिसमें कि बच्चों ने सबसे कम प्रदर्शन किया। सिर्फ 21% बच्चे करेक्टली रेस्पॉन्ड कर पाए क्वेश्चंस को। अब चूंकि यह सेशन सोशल साइंस के बारे में है, स्पेशली जैसा टाइटल में भी आपने देखा था, तो हम अब सोशल साइंस की चर्चा करेंगे कि कौन से लर्निंग आउटकम थे जिनमें कि बच्चों ने सोशल साइंस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसमें आप देख रहे हैं जैसे SST 805। अब आप तुरंत बता देंगे कि SST मतलब क्या है, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस। 8 मतलब कक्षा 8, 05 मतलब लर्निंग आउटकम का जो नंबर है, पांचवा लर्निंग आउटकम वो क्या था? लोकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल कोल एंड मिनरल ऑयल ऑन दी वर्ल्ड मैप। इस लर्निंग आउटकम में 29% बच्चे ही सही आंसर दे पाए। उसी तरह से आप देखिए अगला जो नीचे दिया गया है, सबसे नीचे लर्निंग आउटकम SST 625, क्या मतलब है इसका? सिक्स कहाँ से आ गया? मतलब कि कक्षा 6 का 25वां जो लर्निंग आउटकम था सोशल साइंस का, वो उसमें भी बच्चे अच्छा नहीं कर पाए। अब देखिए एक चीज जो अभी मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया था लर्निंग आउटकम्स का उसमें और कक्षाओं का, कि जिसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 कंडक्ट किया गया, एक बात मैं अभी ऐड करना चाहती हूँ जो उस टाइम रह गई थी, वो ये है कि कक्षा 3, 5, 8, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ कक्षा 3 के लर्निंग आउटकम लिए या कक्षा 5 के लर्निंग आउटकम लिए या कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम लिए। अगर कक्षा 8 की हम बात कर रहे हैं और सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लर्निंग आउटकम कक्षा 8 के तो ले ही रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट, 40% लगभग जो क्वेश्चंस लिए गए वो कक्षा 6 और 7 के लर्निंग आउटकम्स पर आधारित प्रश्न भी इसमें टेस्ट पेपर में थे। यानी कि कक्षा 8 के 60%, और क्योंकि नवंबर तक जितना सिलेबस हुआ उसमें से, और जो कक्षा 6 और 7 के लर्निंग आउटकम्स थे उनमें से उन पर भी क्वेश्चंस को बनाया गया और टेस्ट लिया गया बच्चों का। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो लोएस्ट परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम है वो कक्षा 6 का भी है। यानी कि बच्चा तो कक्षा 8 में आ गया, लेकिन कक्षा 6 में जो कौशल डेवलप होना चाहिए था, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो डेवलप नहीं हो पाया। सिर्फ 30% बच्चे ही इस लर्निंग आउटकम पर आधारित जो प्रश्न थे प्रश्न पत्र के अंदर, उसका सही जवाब दे पाए। क्या था वो लर्निंग आउटकम? डिस्क्राइब्स द फंक्शनिंग ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। अब देखिए इसको मैं कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम से जोड़ सकती हूँ कि कक्षा 8 में एक लर्निंग आउटकम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो जब बच्चा कक्षा 6 के इस लर्निंग आउटकम को अच्छे से नहीं अचीव कर पाया, तो वो आ तो गया कक्षा 8 में, वो इस कक्षा 8 में जो जो कि लर्निंग आउटकम इस लर्निंग आउटकम का एक्सटेंशन है, उसको कैसे अचीव कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये एक सिस्टम की यानी कि स्टेट लेवल पर ये रिफ्लेक्शन आई है इस नेस 2017 के थ्रू कि बच्चे कक्षा 6 के लर्निंग आउटकम में भी पुअर है, उनको कक्षा 6 के भी लर्निंग आउटकम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ये एक लर्निंग गैप रहा है। अब इसमें क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट रिपोर्ट कार्ड, इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इस सर्वे को किया गया 2017 में। कक्षा 8 के लिए जो किया गया उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो टीचर्स हैं
8772 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। 71,793 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और 3700 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। अब आप ये कह रहे होंगे कि बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट हुआ, ये टीचर्स और स्कूल के क्या, ये कहाँ से कैसे पार्टिसिपेट किया? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ क्वेश्चनेयर्स भी तीन बनाए गए थे, एक टीचर्स के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक स्कूल के लिए, TQ, PQ, SQ। TQ मतलब टीचर क्वेश्चनेयर, PQ मतलब प्यूपिल क्वेश्चनेयर और SQ मतलब स्कूल क्वेश्चनेयर। अब हम देखें ये जो हमारी प्रेजेंट स्लाइड है, इसमें नेशनल एवरेज अचीवमेंट क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज ये दिखाया गया है। आप जैसे देख पा रहे हैं एक ट्रेंड, आप देखिए, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे वो EVS और सोशल साइंस साइंस में हो, वो जो एक ट्रेंड है, आप बता पाएंगे क्या ट्रेंड देख पा रहे हैं? कक्षावार लिखा हुआ है, क्लास तीन का तीनों सब्जेक्ट, फिर कक्षा पाँच के तीनों सब्जेक्ट और फिर कक्षा आठ के चारों सब्जेक्ट। क्या ट्रेंड है बताइए? आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो एक ट्रेंड आ रहा है कि कक्षा तीन में मैथमेटिक्स में जो परफॉर्मेंस बच्चों का था कितना था, 64%। कक्षा पांच में मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस क्या था, 53%। और कक्षा आठ में बच्चों का जो परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में था वो कितना था, 42%। यानी आप देखिए कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आपके सामने आ रही है कि कक्षा तीन में 64% बच्चे लर्निंग आउटकम अचीव कर पा रहे थे, कक्षा पाँच में वो 53% पर आ गए और कक्षा आठ में 42% पर आ गए। और उसी प्रकार से आप अन्य सब्जेक्ट्स में भी देख सकते हैं, जैसे EVS का फॉर एग्जांपल हम लें, 65% कक्षा तीन में उनका प्रदर्शन रहा, 65% क्वेश्चंस को उन्होंने सही करेक्टली रेस्पॉन्ड किया। कक्षा पाँच में 57% स्टूडेंट्स करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चंस, एंड इन क्लास एट इन साइंस एंड सोशल साइंस बोथ ओनली 44% स्टूडेंट्स कुड करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चंस। व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स, इट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। व्हाट आर द रीजंस यू हैव टू रिसर्च, एक्शन रिसर्च यू हैव टू डू इन द क्लासरूम। You might have also observed that in class 3, students were performing better than in class 8. Why is it so? It is a question of research, deep research, action research. So this is the, reflection of this National Achievement Survey regarding school health. And it has an influence for the teachers, for the different stakeholders of education. So now if we see in class 8 state results of different student groups, gender wise, if we see the performance, we see, for example, in social sciences, the national average for boys was 44 and for girls was 45. But at state level, it was 41% for boys and 42% for girls. You can see that 48% girls have participated in this survey and 52% boys have participated. So, and if we see by school location, means area wise, it is quite clear from this diagram that at national level in social sciences, rural area students were performing better than the urban area students at national level. What was the percentage? 45% rural students were performing
एट नेशनल लेवल एंड अर्बन एरिया 42% अर्बन स्टूडेंट्स कुड करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चंस एट नेशनल लेवल बट व्हाट इज द सिचुएशन एट स्टेट लेवल एट स्टेट लेवल यू कैन सी थ्रू द डायग्राम दैट 43% रूरल स्टूडेंट्स कुड करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चंस What about the urban students? Only 36% students could correctly respond to the questions. So here, rural and urban means the schools which were situated in rural area, and urban schools means schools which were situated in urban area. So we can see that 88% rural schools participated in this survey in UP and 12% urban schools participated in this survey. If you talk about social category wise means schedule caste, schedule tribe, other backward caste and general caste, there is no much variation in the scores of children. And if we see management wise also, there is no much variation in the score of children from having government or private management. From this slide, the distribution of students' achievement by class and subjects has been shown. What is this? This is the range. In which range the students fall? It's like ki up to 30% jo dark blue color dikhaya gaya hai wo show karta hai ki 30% tak jo hamare bacche hain wo 30% tak kitne bacche hain. Char range banayi gayi hai isme. Ek to up to 30%, dusri 30 to 50, तीसरी 50 to 75 और चौथी अबव 75%. तो सोशल साइंस में अगर हम बात करें कक्षा 8 में, तो हम देख पा रहे हैं कि जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं अचीविंग अप टू 30% इज 40.1%. बिटवीन 30 to 50% इट इज 25.6%. एंड लाइकवाइज above 75 it is 9.5%. we need to improve this last percentage. Above 75% students we need to improve so that our students can can do better and they can get attain the learning outcomes. And this survey has reflected that our students are where the majority of the students are up to 50%. You can see 65.7% students are up to 50% range. So we need to improve the range above 75% and 50 to 75% also. So now we have talked about the questionnaires, three questionnaires. So till now we have talked about the achievement test, means ki jo test banaya tha usme bachchon ka performance kaisa raha. Ab hum jo baat karenge wo jo questionnaires the teen, humne aapko bataya tha TQ, SQ, PQ, to usme bachchon ki kya matlab ki usme kya reflections aayi, un questionnaires par टीचर्स ने क्या रिफ्लेक्ट किया, बच्चों ने क्या रिफ्लेक्ट किया या स्कूल हेड ने क्या रिफ्लेक्ट किया, उसकी चर्चा अब हम करेंगे. उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम. ये आप अगर स्लाइड में देखें कि जो क्लास 8 में 80% बच्चे हैं वो ये उन्होंने ये कहा कि कक्षा में जो टीचर्स कहते हैं वो उसको समझ पाते हैं. कक्षा 8 के बच्चे 80% बच्चे जो टीचर्स कक्षा में कहते हैं उसको वो समझ पाते हैं. अब इसके इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो सकते हैं,
आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं वो डिफरेंटली, एक्स एक्स डिफरेंटली करेगा, वाई डिफरेंटली करेगा। उसी तरह से जो 22% बच्चे हैं कक्षा 8 के, उनको स्कूल तक जाने में कठिनाई होती है, ये भी बच्चों का कहना था। और लगभग 75% बच्चे जो हैं कक्षा 8 के, वो बाहर निकलते हैं गेम पीरियड में और खेलते हैं। 25% बच्चे हमारे अभी भी कक्षा के अंदर ही बैठना पसंद करते हैं गेम्स पीरियड में। तो ये भी एक सोचने की क्योंकि कक्षा 8 के बच्चे हैं, बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं कि कोई फ्यूचर का भी उनके पास, जैसे क्लास 10th क्रॉस कर जाते हैं, 11th 12th में आते हैं तो थोड़ा सा करियर का को लेकर के सोचते हैं। अभी तो कक्षा 8 में है तो बच्चों को खेलना चाहिए गेम्स पीरियड में, पर वो नहीं खेल रहे हैं, 25% बच्चे नहीं खेल रहे हैं। उसी तरह से अब टीचर्स की बात हम करें, जो टीचर क्वेश्चनेयर हमने एडमिनिस्टर किया था उसमें एक क्वेश्चन पेरेंट इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड था। उसमें टीचर्स का क्या कहना है कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो स्टूडेंट के अचीवमेंट में लो है, मीडियम है, हाई है, उसके बारे में टीचर्स क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो 22% आप देख रहे हैं ना, 22% लाइट कलर से जो दिया गया है, कि 22% यानी कि लो को रिफ्लेक्ट करता है, 22% जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बहुत ही कम सहयोग करते हैं, 32% हाईली करते हैं और 46% मीडियम करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 68% जो पेरेंट्स हैं उनका जो सपोर्ट है बच्चों के अचीवमेंट में वो बहुत मीडियम टू लो, बहुत कम है। सिर्फ 32% पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे की अचीवमेंट को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब आप दूसरा आप देखते हैं, उसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटीज की बात आ रही है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो इस डिफरेंट काइंड की स्कूल एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो या और एक्टिविटीज होती हैं, उसमें उनका क्या, एनुअल डे है तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है, उसमें भी सेम ही है कि 65% जो है वो मीडियम टू लो है। सिर्फ 35% टीचर्स हैं जो स्कूल एक्टिव पेरेंट्स हैं जो स्कूल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। उसी तरह से टीचर्स ने, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें ये पता लग रहा है कि 5% टीचर्स हैं जो कि अपनी जॉब से सेटिस्फाई है। अब भाई 95% जो टीचर्स हैं वो अपनी जॉब से ही सेटिस्फाई नहीं है। तो जब वो ये रिसर्चेस हो चुकी हैं कि अगर टीचर्स या कोई भी व्यक्ति अपनी प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो आउटकम जो उसका आउटपुट होता है वो भी उसका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। तो ये भी एक सिस्टम लेवल पर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, उनको इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि देखिए आपके जो टीचर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, ओनली 5% टीचर्स हैं जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, तो लर्निंग लेवल कैसे बढ़ेगा बच्चों का, लर्निंग आउटकम्स कैसे अचीव करेंगे बच्चे। तो उसी तरह से जो और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि 26% टीचर्स हमारे कहते हैं कि वो ओवरलोडेड विद वर्क हैं, 84% टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि एडिक्वेट स्पेस है, वर्क स्पेस है हमारा स्टेट में स्कूल में, और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और सप्लाईज हैं 83% टीचर्स ये भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे टीचर्स कक्षा में बच्चों को कैसे असेस करते हैं, ये भी स्टेट रिपोर्ट से ही पता लगा है। तो इस टेबल से हमें यह पता लगता है कि जो पीयर असेसमेंट और स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट और जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है, इसमें इस तरह के जो असेसमेंट के तरीके हैं, प्रोजेक्ट वर्क, इसमें अभी भी टीचर्स को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप जानते ही हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने लिख भी दिया हो कि हाँ जी हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, हम पीयर असेसमेंट करते हैं, हम पोर्टफोलियो असेसमेंट भी करते हैं, कैसे करते हैं वो तो पता नहीं, बस टिक मार्क किया, हाँ कर दिया, लेकिन हमारा
और आपका सभी का ये ऑब्जर्वेशन है, आपने भी महसूस किया होगा कि हम कितना सेल्फ असेसमेंट के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कक्षा में, हम कितना पीयर असेसमेंट कराते हैं और कैसे कराते हैं हमें पता ही नहीं है। पोर्टफोलियो, ये क्या होता है? अगर हम गवर्नमेंट टीचर की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, कितने पोर्टफोलियोज हम मेंटेन कर रहे हैं? तो ये थोड़ा सा हमें इसमें सोचने की ज़रूरत है। तो बच्चों के लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो सकता है अगर हम इन चार एरियाज में काम करना शुरू कर दें। उसी तरह से हेड टीचर ने क्या कहा, अब इसमें आप देख रहे हैं कि 36% हेड टीचर रेस्पॉन्डेड दैट द स्कूल एक्टिविटीज वर नॉट अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, बट 64% हेड टीचर रेस्पॉन्डेड दैट द स्कूल एक्टिविटीज वर अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अभी तो टीचर ने कहा कि कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन हेड टीचर तो कह रहे हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट हेड्स पर हमें यहाँ डेटा मिलता है जो स्टेट रिपोर्ट में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, और उस पर कार्य करने की ज़रूरत है, इन रिपोर्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत है और उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। अब मैं कक्षा 8 में जो डिस्ट्रिक्ट मीन है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए, स्कूल तक तो गए नहीं है, हम बच्चे तक नहीं गए, स्कूल तक नहीं गए, हम डिस्ट्रिक्ट तक गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का मीन जो है वो परफॉर्मेंस ऑन लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहा, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर, इसका जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीन 59 रहा, या इसका मतलब क्या है कि 59% स्टूडेंट्स कुड करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू दी क्वेश्चन इन ऑल दी सब्जेक्ट इन अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट, राइट। अब उसी तरह से मैं एक और स्लाइड, क्योंकि समय अब जो है 4 बज चुके हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में अब इसको कर रही हूँ। अगर आप देखें कि वाराणसी ये सबसे नीचे है, लास्ट में है, स्क्रीन पर देखें, 29% स्टूडेंट्स कुड करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू दी क्वेश्चंस इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, तो वाराणसी के लिए भी एक मैसेज है कि सिर्फ 29% जो बच्चे हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट में सही उत्तर दे पाए, ठीक है। उसी तरह से बहराइच 28% और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है 19% जो सबसे लास्ट में। अब हम अगर देखें कि एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स देखें लर्निंग आउटकम में कक्षा 8 में और सोशल साइंस में, तो इसमें आपको देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें लर्निंग आउटकम कोड दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में जब हाइलाइट्स की बात की थी, SST 605 वो क्या बताता है, इस लर्निंग आउटकम को लिया गया है, उसका फिर नेक्स्ट कॉलम में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और फिर उससे नेक्स्ट में एवरेज परफॉर्मेंस इन परसेंटेज दिया गया है। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं कर आपको अभी बता रही हूँ, समय की कमी है। तो इसमें हम अगर देखें कि जो हमारा SST 831 इसको देखिए, सेकेंड लास्ट 39% एवरेज परफॉर्मेंस है, यानी 39% स्टूडेंट्स करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू दिस लर्निंग आउटकम। आइडेंटिफाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज सच एज वाटर सैनिटेशन रोड इलेक्ट्रिसिटी एंड रिकॉग्नाइजेस देयर अवेलेबिलिटी। आपको ध्यान होगा कि कक्षा 6 का जो लर्निंग आउटकम था जिसमें कि बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, है ना, तो उसका जो है वो इससे काफी रिलेशन है। तो कक्षा 6 में डेवलप नहीं हो पाया तो कक्षा 8 में भी डेवलप नहीं हो पाया। उसी तरह से अगर हम लास्ट वाला देखें SST 833 लर्निंग आउटकम कोड, इसमें लर्निंग आउटकम था ड्रॉज बार डायग्राम टू शो पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इंडिया स्टेट। 45% स्टूडेंट्स जो हैं वो डायग्राम बना पाने की क्षमता रखते हैं, कौशल रखते हैं, लेकिन जो 55% बच्चे हैं वो इस कौशल में उनको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, वो उसमें लैकिंग है। अब हम अभी तक हमने चर्चा की थी स्टेट लर्निंग रिपोर्ट यानी राज्य रिपोर्टों की, उत्तर प्रदेश हमने फॉर एग्जांपल लिया था, इसी तरह से 36 राज्य और यूटीज यूनियन टेरिटरीज की रिपोर्ट्स हैं।
अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड जो ऑटो जनरेटेड थे विद इन 1 वीक निकल के आए थे टेक्नोलॉजी की मदद से। मैंने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिया है, उसका डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो उसमें SST में 1166 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 50 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड दोनों स्कूल्स थे। अब हम अगर जेंडर वाइज देखें तो भी आप देखिए कि 51% बॉयज थे और 49% लगभग गर्ल्स थी। और रूरल स्कूल भी 94% रूरल स्कूल है और आपके 6% जो है वो अर्बन स्कूल्स है। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो उसमें भी कैटेगरी वाइज भी दिया है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स तो इसमें है नहीं, एक भी नहीं है। और मैनेजमेंट वाइज कितने स्कूल थे, यानी 61.9% गवर्नमेंट स्कूल थे और 38% गवर्नमेंट एडेड स्कूल थे जिन्होंने की सर्वे में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किया। अब एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन सोशल साइंस क्या रहा, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, मतलब कि जेंडर वाइज, एरिया वाइज, मैनेजमेंट वाइज, सोशल वाइज एंड ऑल सब्जेक्ट, 24.24% ओवरऑल परसेंटेज है, यानी कि 24% स्टूडेंट्स करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू दी क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके मेल, फीमेल, रूरल, अर्बन सब है। अगर आप इसको सेग्रेगेट करके देखें जेंडर वाइज, एरिया वाइज, मैनेजमेंट वाइज, सोशल ग्रुप वाइज, तो भी आप देखते हैं कि जो फीमेल है, अब देखिए कितनी फीमेल थी, उसके 23.14% फीमेल स्टूडेंट्स कुड करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू दी क्वेश्चंस। उसी तरह से मेल 25.29% मेल स्टूडेंट्स करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू दी क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस। अब अगर हम परफॉर्मेंस ऑन लर्निंग आउटकम्स देखें इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम है SST 605, यानी सोशल स्टडीज का क्लास 6 का, कक्षा 6 का 5वां जो लर्निंग आउटकम है, उसमें एवरेज परफॉर्मेंस कितना है, 26.6%। और अगर हम देखें कि कक्षा 7 का सबसे लास्ट में हम आके देखें SST 734, ट्रेसेस हाउ गुड्स ट्रेवल थ्रू वेरियस मार्केट प्लेसेस, 733 भी कक्षा 7 का है, डिफरेंशिएट्स बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट, तो इसमें भी सिर्फ 26.6% स्टूडेंट्स कुड करेक्टली रेस्पॉन्डेड टू दी क्वेश्चंस, यानी कक्षा 6 और कक्षा 7 के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें बच्चों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही पुअर है। उसी तरह से अभी पहले भी हम ये चर्चा कर चुके हैं, इन दोनों को मैं छोड़ रही हूँ, SST 831 और SST 833, ये हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम देखें तो इस डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड में और क्या चीज दिखाई गई है, आपको बताया ना विषयवार है ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड है, हर विषय के लिए एक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड है और हर कक्षा के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड एक डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो ये जो सोशल साइंस का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड है उसमें तीसरे पेज पर ये दिखाया गया, 3 पेज का ये रिपोर्ट कार्ड है। तो लोएस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स में अगर हम देखें तो लोएस्ट वाला कौन सा है वो देखिए आप, डिस्क्राइब्स फर्स्ट वाला, डिस्क्राइब्स द फंक्शनिंग ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। देखिए वही जो कक्षा 8 में आप देख रहे थे, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज सच एज सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। अब यहाँ भी देखिए ये कक्षा 6 का लर्निंग आउटकम है, इसमें भी बच्चों का 11% ही सिर्फ परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं देखिए कक्षा 6, 7 और 8 के परफॉर्मेंस में बच्चों का आप लिंक भी कर सकते हैं कि जिन जिन लर्निंग आउटकम्स में कक्षा 6 में बच्चे पुअर थे उन्हीं में आगे 7 में और 8 में भी वो पुअर रहे हैं। तो उस पर मेहनत करने की जरूरत है, ये लर्निंग गैप है, यहाँ एड्रेस करने की जरूरत है। तो इस डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड को जब हम पढ़ेंगे, जब हम जानेंगे कि कौन कौन से लोएस्ट परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स हैं, तब हमें ये आइडिया लगेगा कि हमें कहाँ कहाँ अभी मेहनत करने की जरूरत है, ये हमारे लर्निंग गैप्स हैं, इनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये हमारी स्टेट रिपोर्ट कार्ड और हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड्स की बात हो गई, अब क्या करना है। अब नेस का तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है,
सारे डिस्ट्रिक्ट्स का, जिससे कि हेल्थ ऑफ एजुकेशन सिस्टम पता लग सके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, और जो इनकी फाइंडिंग्स है नेस की वो यूज़ होनी होती हैं पॉलिसी प्लानिंग और जो पेडागॉजिकल इंटरवेंशंस बच्चों के लिए हम करते हैं ना पढ़ाने के लिए, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो डिज़ाइन करने में ये फाइंडिंग्स मदद करती हैं। नेस जो है वो एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए असेस करने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है, इसलिए यह बहुत लो स्टेक है। ये सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ और स्टेट लेवल पर हेल्थ ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम बताता है। अभी एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से जो एक मेगा प्रोजेक्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, निष्ठा प्रोग्राम आपने सुना होगा, निष्ठा प्रोग्राम के थ्रू टीचर्स को पहले तो ये बताते हैं कि कौन कौन से लर्निंग गैप्स हैं लर्निंग आउटकम में, और उनको किस तरह से नीड बेस्ड पैडागोजीज, जो बच्चों की नीड्स हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अनुरूप क्या क्या पैडागोजी होनी चाहिए, उसमें एनसीईआरटी कार्यरत है। फिर जो नेक्स्ट नेस होगा उससे हमें ये पता लगेगा कि अब जो ये हमने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी, अभी टीचर्स कक्षाओं में पढ़ाएंगे, फिर बच्चों को जो है उनकी उनको एड्रेस जो लर्निंग गैप्स हैं वो पता लग गए, अब उनको वो ये भी उनको पता लग गया कि अगर बच्चों की ये नीड्स हैं तो उसके लिए ये पैडागॉजी है, ये कंटेक्स्ट है तो ये पैडागॉजी है, तो फिर वो उसके जो इंटरवेंशंस की जो इफेक्टिवनेस है वो फिर जो अगला नेस होगा उससे पिक्चर क्लियर होगी कि ये जो इंटरवेंशंस दी गई थी भारत सरकार के द्वारा एनसीईआरटी की हेल्प से, उनका क्या क्या इफेक्टिवनेस रहा, वो इंटरवेंशंस कितनी सफल रही। तो आज का जो हमारे चर्चा है वो हम अब यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपके अगर कुछ स्पेसिफिक अगर कुछ प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे मेरे ईमेल pratimasingh33@gmail.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, आप इस ईमेल आईडी पर भी मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या आप इसी प्लेटफॉर्म पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और मैं आपको इसके जो अगर जो क्वेश्चंस रह गए हैं, वैसे मैंने कोशिश की है कि खुद ही प्रश्न आपको मैंने पूछ के और फिर उसके रिप्लाई किए हैं, लेकिन फिर भी देखिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, आगे और भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं, तो उनको मैं फिर एड्रेस जरूर करूंगी नेक्स्ट सेशन में। और कुछ चीजें अगर जो रह गई हैं वो भी अगर आप चाहते हैं कि हम ये अगला एक और सेशन हो और ये चीजें इसमें रह गई हैं ये एड्रेस कीजिए, तो वो भी मैं अगले सेशन में लेने की कोशिश करूंगी और आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।